खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिले में 15 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अनुराग वस्त के निर्देश पर जिले में पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह और क्षेत्र अधिकारी हरियावा शिवराम कुशवा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक टडियावा राय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक राम बच्चन, भारतीय उप निरीक्षक योगेन सिंह कमरुद्दीन तथा हेड कांस्टेबल प्रवेश कुमार आशीष सिंह, कांस्टेबल सचिन गुप्ता, अभिषेक सिंह, उमेश कुमार व रवि कुमार ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त संतराम पुत्र मंगा रेदास निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरा साकिम थाना टडियावा व विजय पुत्र स्वर्गीय श्रीराम निवासी बनिया मऊ थाना मच रहटा जनपद सीताराम को ग्राम सराय के आगे गोमती नदी के किनारे श्यामा पुत्र जगत के खेत के पास खड़े बेर के पेड़ के पास 315 बोर दो तमंचा, 315 बोर दो अर्ध निर्मित तमंचा, 12 बोर दो तमंचा, 12 बोर अर्ध निर्मित एक बंदूक अर्ध निर्मित अधि एक अर्ध निर्मित तमंचा बॉडी 315 बोर नाल लोहे की 315 बोर 5 जिंदा कारतूस, 12 बोर 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर 4 खोखा कारतूस, 12 बोर 5 खोखा कारतूस के अलावा एक धोपनी, लोहे के गटर का टुकड़ा, ड्रिल मशीन की हथौड़ी, लोहे की छेनी, लोहे की सुमी प्लास, लोहे की रेती, लोहे की छड़, लोहे की स्प्रिंग, संडासी का पत्ता, लोहे की पत्ती, लोहे के टुकड़े, लोहे के छल्ले, लोहे की रिपीट, लोहे के सुनसे, लोहे का बांक और एक छोटी गैस लालटेन बरामद की। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। थाना तड़ियावा क्षेत्र अंतर्गत नदी के किनारे एक सराय गाँव है, जहाँ से दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये लोग वहाँ पर अवैध असलाह बनाने का काम करते थे। इसमें से संतराम जो टड़ियावा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला, विजय सीतापुर का रहने वाला है, इन दोनों के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं इसको देखते हुए असलहों की के जखीरे इकट्ठे किए गए थे, जिसमें से 6 बने हुए असलहे हैं, अद्धी है, बंदूक हैं, 4 अर्धनिर्मित हैं। इसके अलावा असलहा बनाने के सामान, हड्डियाँ, उपकरण इस तरह से बरामदगी हुई है। थाना पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा एक केस ये अनावरण किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पहले ही बहुत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और हम लोग इसको बड़ी सख्ती से और बहुत ही तेज़ी से ये अभियान चला रहे हैं और अभी तक कार्रवाई की। तो दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनका क्या पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इसमें से जो संतराम है इसका पहले से आपराधिक इतिहास है और विजय के संबंध में अभी जानकारी की जा रही है, प्रगति से अवगत कराया जाए। जैसा कि देखा जा रहा है भारी मात्रा में असलाह बरामद हुए हैं, इनमें कहीं तक अभी असलाह के बेचे गए हैं क्या, नहीं बेचे गए हैं? इस संबंध में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह फॉलो अप कर रहे हैं, प्रगति से अवगत कराया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।